मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति निरंतर नियंत्रण में आती जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को मध्य प्रदेश में महामारी घोषित की जा चुकी है। साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है और कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या डबल है। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट 91.45% और पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.26% रह गई है। वहीं श्री मिश्रा ने बताया कि आज प्रदेश के हॉस्पिटलों में आईसीयू बेड की उपलब्धता पर्याप्त है। आज नए केस जो मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं वो 3375 के लगभग नए केस मध्य प्रदेश के अंदर आए। वहीं हम अगर ठीक होकर घर जाने वालों का आंकड़ा लेंगे तो 7587 लोग ठीक होकर घर गए, मतलब स्वस्थ होकर घर जाने वाले डबल डिजिट पर, डबल संख्या है। आज भोपाल इंदौर सहित मध्य प्रदेश के सभी आईसीयू के बेडों में उपलब्धता पर्याप्त है, सीसीयू के बेडों की उपलब्धता पर्याप्त है, रेमडेसिविर की उपलब्धता पर्याप्त है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के क्षेत्र में हम एक्सेस में हैं, कहीं भी कोई बेचैनी का आलम घबराहट का नहीं। ब्लैक फंगस को आपदा घोषित मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। आज अगर हम देखें हमारी रिकवरी रेट, तो मध्य प्रदेश के अंदर रिकवरी रेट 91% से ऊपर हो गई है, 91.45% ये हमारे मध्य प्रदेश में ठीक होकर घर जाने वालों की दर है। पॉजिटिविटी रेट को अगर देखेंगे तो 4.26 हमारी पॉजिटिविटी की रेट है। इन दोनों की तुलना करेंगे तो हम मध्य प्रदेश की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। आज इंदौर की अगर हम देखें, जो हमारे यहाँ सर्वाधिक संक्रमित शहर प्रारंभ से फर्स्ट फेज में सेकंड फेज में था, आज वह इंदौर की हमारी 8.623 हमारी प्रतिशत रही है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी सभी 5% से नीचे आ गए। ग्वालियर में 2.96 है, दतिया में 3.24 है और शिवपुरी में 3.46 हमारी प्रतिशत रही है। इस तरह से हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं।